हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो आज है मेरी एग्ज़ाम का थर्ड डे, है डे थ्री। यस, देखो मेरी आवाज़ सुन के वो उड़ गया। ये प्रभु, अब मैं क्या करूँ? आज मेरी एग्ज़ाम का थर्ड डे है, तीसरा दिन है मेरी एग्ज़ाम का। तो आज मेरा एग्ज़ाम है अमेरिकन लिटरेचर। आज मेरी तैयारी थोड़ी कम है, मुझे नहीं पता कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता ज़्यादा, सच बता रही हूँ एकदम। मैं ना हमेशा सच ही बोलती हूँ, मुझको जब आता है तो मैं बोल देती हूँ कि मैं आज एकदम अच्छा पेपर बनेगा, मैं एकदम सच बोलती हूँ। बाकी लोग जैसे झूठ नहीं बोलते, पढ़ के तो एकदम मस्त पढ़ पढ़ के आते हैं, लेकिन क्या बोलेंगे आके, नहीं यार मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, मैं तो मोबाइल चला रही थी, मैं ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था। मतलब लोग क्या बोलते हैं कि मेरी स्टडीज़ नहीं हुई है, बट जब एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद वो लोग इतनी शीट भरते हैं बाय गॉड, फिर लगता है कि पढ़ के आया बेटा, मुझसे झूठ बोल रहा था ये, है ना। और मैं एकदम जेन्यून आंसर देती हूँ कि मैं पढ़ के आई हूँ, मैं फुल लिख कर आऊँगी। और आज के पेपर में मैं ज़्यादा कुछ पढ़ी नहीं हूँ, सब ऊपर ऊपर से गया है, लेकिन मैं लिख के ज़रूर आऊँगी। इतना तो है कि शीट भरनी है मुझे ताकि फुल मार्क्स मिल सके। तो अब चलो चलते हैं एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन पहले कुछ खा पी लेते हैं। मम्मा बोल रही है कि थोड़ा सा दूध पी के जा, तो दूध पीते हैं फिर हम चलते हैं एग्ज़ाम देने। तो देखिए हम पहुंच गए अपनी कॉलेज में, आपको आज सामने से दिखा रही हूँ अपने कॉलेज का स्ट्रक्चर। ये मेरी कॉलेज और हम आ गए एग्ज़ाम देने, तो अंदर ही अंदर जाएंगे। ये गेट नंबर एक है, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे गेट हैं जहाँ से एंट्री और एग्जिट होती है। ये है रिसेप्शन ऑफिस, जी हाँ, जहाँ पर आपको इंक्वायरीज वगैरह कुछ भी लेनी है तो वहाँ से मिल सकती है। और यहाँ पर भी है, सब चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट है इस कॉलेज में। और इस राजा की एक स्टोरी है जो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, बट पहले एग्ज़ाम दिला दो, उसके बाद मैं आपको स्टोरी ज़रूर बताऊँगी। हाँ चलो जल्दी जल्दी जल्दी, वैसे इसका टाइम हुआ है अभी, यस 11:15, हम 11:15 को पहुँचे हैं आज। वैसे आज भीड़ ही नहीं दिख रही है, आज एग्ज़ाम है या नहीं लोगों का? मेरा तो है, मुझे पता है, बाकी लोगों का है कि नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। क्लास में पहुँच चुके हैं, ये है मेरी क्लास, और आज शायद मैम आ चुकी है, ये रही देखिए मैम, तो ये आ चुकी है। हम जल्दी से अंदर चलते हैं, बैग यहाँ पर रखते हैं अपना और चलते हैं अंदर। 2:00 और मैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़ी हूँ, मैं निकल चुकी हूँ एग्ज़ाम देखकर। मेरा एग्ज़ाम ठीक ठाक गया, मैंने लिख लिया, अंदर सब अभी भी बैठे हुए, अभी टाइम ओवर होने में 3 मिनट बचा है, फिर उसके बाद ये पूरा प्रांगण एकदम भीड़ लबालब हो जाएगा। अभी हम वेट करते हैं आयुषी का, आयुषी आएगी फिर हम जाएंगे, लेकिन हम अपना बैग लेकर नीचे चलते हैं पहले। तो देखिए अभी साइलेंट बच चुका है, लास्ट एग्ज़ाम ओवर हो चुकी है, सब बच्चे बाहर निकल ही रहे हैं धीरे धीरे, और आयुषी आ रही है। कल वो लास्ट पेपर में वो मेरा वेट कर रही थी और आज मैं उसका वेट कर रही थी, क्योंकि आज मैं पहले निकल गई थी। हेलो, कैसा बना? मत कर ज़्यादा, तेरा अच्छा ही बना होगा, मत बता। नहीं बना, इस बार सो सो मतलब ठीक था यार, मतलब मेरा यूनिट 3 वॉज नॉट गुड। यूनिट 3 मेरा लास्ट के दो यूनिट थे ना, वो दोनों ही मेरे अच्छे नहीं गए, बाकी डेथ ऑफ सेल्समैन तक अच्छा बना है मेरा, उसके बाद का मैं कोचड़ पोचड़ कुछ भी की। उसके पहले से ही खराब बना है मेरा, वहाँ से खराब बना है वो संडे मॉर्निंग। हाँ बट मैं लिमिटेड पढ़ के आती हूँ, मैं ब्रिजेस वाला पूरा पढ़ के आई थी, मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं आया। और जबकि संडे मॉर्निंग आज सुबह पढ़ी थी, ये सच के देख लेती हूँ क्या है, वो याद आ रहा था थोड़ा थोड़ा, बाकी जो ब्रिजेस जिसको मैं 3 दिन से कंटिन्यू पढ़ती हूँ कुछ भी याद नहीं। इसलिए कभी कभी बोलते ना कि सुबह उठ के भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। किया सब चीज किया मैं तो, इवन नोट्स भी बना एनालिसिस कर लेती, एनालिसिस क्रिटिकल एनालिसिशन, यस। तो चलो अब जल्दी से हम चलते हैं। सच्ची ये आयुषी पिलाएगी हमको गन्ना रस, यस हम पियेंगे गन्ना रस। चलो तो कोइंसिडेंस कि मेरी गाड़ी भी यहाँ रखी और उसकी भी यहाँ रखी, और उसे पता नहीं था कि ये दीपिका दवे की गाड़ी है, देख रहे से ये एकदम औरत बन के घूम रही औरत, क्या करूँ बता, 24-25 साल की लड़कियाँ हम लोग, अब औरत नहीं बनेगी। तू होगी बहन 24-25 की, मैं नहीं हूँ अभी 24-25 की। हाँ मैं दिख जरूर जाती हूँ बट मैं हूँ नहीं, 24 साल की हूँ। ओह अब हम लोग बड़े हो रहे हैं आयुषी, हम लोग अब बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन हमारी हरकतें नहीं बदल रही है, अरे हरकतें बदल के क्या करना है यार,
ओके चलो मैं तेरे पीछे बैठू ना। चलो अभी हम जा रहे हैं गन्ना रस पीने। जो ये मैडम पिला रही है आओ गर्मा गर्म क्या वो हॉट हीटर का आनंद दिलवाएगी तू मुझे। हॉट सीट या दिस इज हॉट सीट एंड वी आर इंजॉइंग हॉट सीट। तो अभी आयुषी मैडम हमें लेकर आई है जिस गन्नारस वाले के पास। जी हाँ अभी हम यहाँ पर गन्नारस पीने वाले हैं और आयुषी ऐसा बोलती है कि ये बहुत ही टेस्टी गन्नारस बनाता है, मतलब फील लाइक अ सुकून। तो चलो पीते हैं। देखो ये कैसे मशीन चलता रहता है गन्नारस का गड़ अरे वो मैडम कहाँ चली गई। हाँ ये क्या बात करती है भाई, ये गन्नारस का देखो पता नहीं कौन सी सब्जी है। तुमने तो हेयर पर स्प्रेड करवाई है कि स्मूथनिंग कहाँ से हुआ। ओके अच्छा लग रहा है। तो हमारा गन्नारस आ गया है और हम अब इसे पीने वाले। पियो आयुषी मैडम। फील लाइक देखो अभी आयुषी कर रही है पीना होकर गल पे और यहाँ पर चला जाएगा ये मालिक जो है गन्नारस वाले का। मेरी इंग्लिश बहुत ही ख़राब है, प्लीज़ इग्नोर माई इंग्लिश। और मैं एम ए इंग्लिश कर रही हूँ, सोच रही हूँ आप मैं इंग्लिश का पेपर दिला रही हूँ और मेरी इंग्लिश ही अच्छी नहीं है। हम एम कर रही है फिर हम जाएंगे, वो अपने घर जाएगी और मैं जाऊँगी ट्यूशन पढ़ाने। गाइस मैं घर आ चुकी हूँ, एग्जाम भी मैंने दिला दी और ट्यूशन भी मैंने पढ़ा लिया। अभी मैं घर आई हूँ और मैं पी रही हूँ चाय जो मम्मी ने बनाई है। थैंक यू मम्मी फॉर टी। हेलो बेबी कृष्णा, थैंक यू फॉर द टी। मम्मी खुश हो गई मेरी बात सुन के। और आज हम पेपर अच्छा भी बना है नहीं भी बना है उसके खुशी में चाय पी रहे हैं। चीयर्स। और हमारे ड्रिप जो है वो देखो क्या कर रहे हैं, ये देखो वो क्या कर रहे हैं, देखो बर्तन चाट चाट के रख रहे हैं। मम्मी ये तो धोना पड़ेगा, चाट रहा है बर्तन चढ़ा रहे हैं वो भी। ये देखो ये क्या स्वाद मिल रहा है तुम्हें, किस सुख की प्राप्ति हो रही है चाटने से तुम्हें। हाँ दृश चूकले जी कैसे देखा मम्मी ना अपना, उसको नाम कितना पता चलता है अब, मेरा ही नाम गणेश है तो खबर ना पड़ती। दाउड़ी औ वाला दिक्को चू कर लेते। देखो बात कर रहा वो मुझसे कि मैं ये कर रहा हूँ करके, तो उसे इंजॉय करने देते हैं, खेलने देते हैं और हम अपना जल्दी से चाय फिनिश करते हैं और देखते हैं कहाँ घूमने जाने का प्लान बन रहा है, क्योंकि आज पेपर अच्छा और नहीं भी अच्छा दोनों हुआ है तो हम घूमने जाएंगे है ना। तो देखिए अभी पट खुल चुके हैं, बोलो श्री कृष्ण का नहीं आला की जय। देखो अभी आरती होने वाली है। अभी हम आ चुके हैं मंचूरियन वाले भैया के पास और अभी हमारा मंचूरियन रेडी हो रहा है, फिर हम इसे खाएंगे। तो यहाँ हमारा मंचूरियन आ चुका है, कितना लजीज लग रहा है। ओह माय गॉड यस, अब हम इसे खाएंगे। यम्मी यम्मी यम्मी, जल्दी से फिनिश करते फिर घर जाएंगे। बाय। तो मैं आज का व्लॉग यहाँ पर ऑफ करती हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि कैसा लगा व्लॉग, ज़रूर बताइएगा। आज थोड़ा कम है व्लॉग में लेकिन फिर भी आप लोग इन्जॉय कीजिएगा। टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्णा।